सरकार 2.0 का आज एक साल पूरा होने जा रहा है। दूसरे कार्यकाल का ये एक साल पूरा होने वाला है। एक साल पूरे होने पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। लोकभवन में सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। योगी 2.0 का एक साल आज पूरा हो गया है। इस एक साल में क्या कुछ किया है प्रदेश सरकार ने, उसका ब्यौरा देते हुए, रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जो नीतियां प्रदेश सरकार लेकर आई है, जो योजनाएं परियोजनाएं चला रही है प्रदेश के विकास के लिए, उसका ब्यौरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी पेश करेंगे। आज एक साल योगी सरकार 2.0 का पूरा हो रहा है। सीएम योगी का ये दूसरा कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो रहा है और उसी उपलक्ष्य में 6 साल 6 दिन तक सीएम योगी आदित्यनाथ इस पद पर बने रहे। क्या कुछ काम हुए हैं प्रदेश में, किस तरह से नीतियां बनाई गई है, उसका ब्यौरा देते नजर आएंगे। तो एक साल के कार्यकाल में उपलब्धियों की जानकारी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ लोकभवन में देने जा रहे हैं। योगी 2.0 यानी कि योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल का एक साल आज पूरा हो गया है और एक सालों में क्या कुछ काम हुए हैं। बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें पहले कार्यकाल का ब्यौरा वो पेश करते हुए नजर आएंगे। योगी के नाम पर दर्ज हुआ है यूपी में सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। 6 साल 6 दिन तक सीएम पद पर रहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 साल 345 दिन तक लगातार यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। तो 6 साल और 6 दिन आज पूरे होने जा रहे हैं। अविनाश संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। योगी 2.0 का एक साल आज पूरा होने जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से एक साल का पेश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ नीतियां रही, क्या काम किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, क्या योजनाएं क्या परियोजनाएं? अविनाश, बिल्कुल, देखिए दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है और आज एक साल की उपलब्धियों को मुख्यमंत्री सबके सामने रखेंगे। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले मुख्यमंत्री के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के नाम लग चुका है, जिसमें कि सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड सीएम योगी हासिल कर चुके हैं। लेकिन अगर हम पिछले एक सालों की बात करें तो चूंकि काफी चुनौतीपूर्ण ये साल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो चूंकि रिपीट हुई थी सरकार और जो तमाम योजनाएं थी, तमाम नीतियां थी सरकार की, उन नीतियों को और उन योजनाओं को सरकार ने आगे बढ़ाया। हालांकि हाँ, कुछ ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं को सरकार ने नए सिरे से शुरू किया, कुछ नई योजनाओं को लॉन्च किया, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक साल की जो उपलब्धियां रही सरकार की, उन उपलब्धियों को आज मुख्यमंत्री मीडिया के सामने रखेंगे, जिससे पता चले लोगों को कि आखिर पिछले एक सालों में सरकार ने वे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य रहे जिसको सुनिश्चित कराने की कोशिश की। देखिए अगर हम बात करें तो अगर हम पिछले 6 सालों की बात करें तो 6 सालों में योगी सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां तो रही, लेकिन अगर पिछले एक सालों की बात करें तो कुछ ऐसी उपलब्धियां रही जो वाकई में नजीर के तौर पर दूसरे राज्यों में देखी जा रही है। जैसे अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें, इतनी बड़ी संख्या में जो निवेशक आए और तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आया, ये सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा देखिए, जिस बिंदु पर सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया वो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर पिछले 5 सालों में जो योगी का पहला कार्यकाल था उसमें भी काफी कुछ काम हुआ, लेकिन दूसरे कार्यकाल में दोगुनी स्पीड से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार ने काम करना शुरू किया। सरकार बनते ही सबसे पहले जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है उसको लखनऊ और नोएडा के बाद दूसरे शहरों में लागू किया गया। इसके अलावा अगर हमें महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा पर भी सरकार ने काफी काम किया, जिसकी वजह से जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, चूंकि उन आंकड़ों में भी ये बात सामने आ चुकी है कि महिला अपराधों में काफी कमी आई। अगर खेती किसानी की बात करें तो गन्ना किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान सरकार ने करने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा गारंटी देने का काम किया, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन की बात हो या फिर निराश्रित और जो गरीब वर्ग के युवक
की होती हैं, उनको उनकी सामूहिक शादी कराने की बात हो, तो ये तमाम योजनाएं थी जिसको कि सुनिश्चित कराने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि देखा जाए तो अभी भी सरकार का फोकस ये है कि जो बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आज 11 बजे वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर देंगे। अविनाश, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा प्रदेश के, जो प्रदेश सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी और जगह दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है लखनऊ में। इसके अलावा जो योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं उनको अलग अलग जिलों में भेजा गया है, और जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें अगर हम जयवीर सिंह की बात करें, के शर्मा की बात करें, या फिर जो दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों में जाकर एक साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो बातें मुख्यमंत्री के द्वारा आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी, वही बातें तमाम जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो अपनी बात रखेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जिलों में जाकर, कि पिछले एक सालों में सरकार ने किस तरीके से काम किया, और जो वादा किया गया था 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव से पहले, उस वादों को किस तरीके से एक एक कर सरकार धरातल पर उतारने का काम कर रही है। क्योंकि सरकार का देखिए दावा यह भी है कि तकरीबन 70% जो संकल्प बीजेपी ने लिया था चुनाव से पहले, उन्होंने पूरा कर लिया है, और वही रिपोर्ट कार्ड आज पेश करने जा रही है योगी सरकार। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो योगी सरकार 2.0 का पहला साल आज पूरा हो चुका है, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला साल आज पूरा हो रहा है, और इस साल में योगी सरकार अपराधियों पर जमकर बरसी है। इसके अलावा प्रदेश के विकास को नए आयामों तक पहुंचाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने जा रहा है। अब तक के 6 साल के कार्यकाल में यूपी पुलिस ने माफियाओं, अपराधियों, बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। इस दौरान 64 गैंगस्टर की 3,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां पुलिस ने या तो जब्त की हैं, या फिर सरकार ने उन पर बुलडोजर चलवाया। इसमें माफिया अतीक अहमद की 1100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं, मुख्तार अंसारी की 523 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। इसी तरह 2.5 लाख के नामी लेकर किंग बदन सिंह बद्दो की भी करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गयी, जबकि उसके और उसके सहयोगियों के तमाम अवैध अड्डों पर बुलडोजर चलाया गया। बाहुबली विजय मिश्रा की भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां तक जब्त की जा चुकी हैं। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में यूपी के टॉप लेवल के 13 माफियाओं को कोर्ट ने सजा सुनाई। बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिसके खिलाफ कभी कोई गवाही नहीं देता था, अभियोजन विभाग ने सशक्त पैरवी की, गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाया। नतीजतन मुख्तार अंसारी को उसके सालों से लंबित मुकदमों में सजा होनी शुरू हुई, जिससे उनकी विधायकी रद्द हुई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश के कई थानों में संगीन धाराओं में 61 मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह बाहुबली विजय मिश्रा, जिसके खिलाफ संगीन धाराओं में 83 केस दर्ज हैं, उसे भी कोर्ट ने सजा दी। अभियोजन विभाग की पैरवी से आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा मिली। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में पुलिस और अन्य एजेंसियों के सहयोग से सब संभव हुआ। इसके अलावा बीते एक साल में योगी सरकार की ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिन्हें जनता के बीच में रखा जाएगा, फिर चाहे बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, फिर लखनऊ और आगरा में G20 की सफल बैठक हुई। अब तक का सबसे बड़ा 6,90,000 करोड़ से अधिक का बजट सरकार ने पेश किया। बहरहाल योगी 2.0 का एक साल पूरा हो रहा है। इस साल में योगी सरकार अपराधियों पर जमकर बरसी है, इसके अलावा प्रदेश के विकास को नए आयाम तक पहुंचाया है। टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।